hey good morning everyone how are you all i hope all is well so today i am here to take your english class so and today i am going to teach you the concept of use of whose now what is the hindi meaning of whose kiska and

और ये पूछने के लिए कि वो जो चीजें हैं कोई भी चीज किससे बिलोंग करती है इट असर द ऑनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट मीन्स इट मेक्स आउट द ऑनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो जिसका भी ऑब्जेक्ट है उसका पता लगाती है कि वो किससे बिलोंग करता है एंड हुज इज यू आर आस्किंग टू होम समथिंग बिलोंग्स then you use and whose uh, we use whose to ask a question about possession you can use whose for things aap ke liye whose ka use kar sakte for example whose pencil is this now look at this picture she is a girl and she has a pencil

नेक्स्ट car इज दैट दे ऑल आर objects. हूज कार इज दैट ये कार किसकी है सो दैट इज मिस्टर ये किसकी कार है सेन्स की कार है मिस्टर सेन की कार है इज दिस अब ये टॉप किसका है दिस इज Aman's top. यह अमन का टॉप है बॉल किसका है इट मीन्स वी आर आस्किंग क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सोनू की बॉल है हु दिस बुक किसकी है दिस इज नेहाज बुक यह किसकी बुक है नेहा की बुक है हु मार्बल्स दीज आपको पता है ना मार्बल्स होते हैं छोटे छोटे है ना ग्लास के बने होते हैं आर दीज सो दीज आर गीताज मार्बल्स ये किसके मार्बल्स हैं गीता के मार्बल्स हैं ओके नाउ अगेन यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए कि वो जो चीजें हैं थिंग्स है वो किससे बिलोंग करती है एन इट अटेन्स इट मेक्स आउट द ऑनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ये पता लगाती है कि ऑब्जेक्ट का ऑनर कौन है ओके सो वी यूज हु चीजों के लिए भी हु करते हैं

मार्बल ये किसके मार्बल्स है गीता के मार्बल्स है सो एज यू कैन इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन क्वेश्चन टू आज क्वेश्चन इज दिसज कार इज दैट हुट एंड बुक इज दिस Whose marbles are these? Okay, and this was the concept of whose. Now, I will be sending the assignment related to this topic, and you have to complete it at your home and make sure you will learn the question answers also. So, see you soon in my next class. Till then, goodbye and take care.